गोंडा खरगोपुर नगर पंचायत अध्यक्ष पद की उम्मीदवार बीजेपी से ममता रस्तोगी 825 मतों से जीती। नगर पंचायत खरगोपुर की जनता में जश्न माहौल। भारतीय जनता पार्टी से टिकट देने के लिए और नगर पंचायत की जनता का धन्यवाद किया। ममता रस्तोगी ने कहा, खरगोपुर की सभी जनता के लिए बिना भेदभाव के काम करेंगे। अच्छा, कितने मतों से आप जीती? 825। अच्छा, अपने नगर की जनता को क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, ये लोग आपके साथ ही हैं सर? जी। अच्छा, रुको से ठीक। पार्टी को क्या कहना चाहेंगे जो आपको टिकट दिया? नहीं नहीं, पार्टी को तो बहुत बहुत धन्यवाद है। उनका निर्णय जो है वो जनहित में ही लिया गया है और वो जनता को सही मायने में जो सकारात्मक रचनात्मक दिशा मिलनी चाहिए वो पूरे 5 वर्ष मिलेगी। और जो कुछ काम रह गए हैं या जो बाकी हैं क्या, और पहले आप क्या करेंगे? आप नहीं देखिए, काम का तो कभी अंत नहीं होता, विकास की सीमाएं अनंत हैं। और कितना धन है और कितना विजन है और सही माने में उसका आए हुए धन का कितना सदुपयोग है, ये चीजें मायने रखती हैं। और विकास तो कभी न समाप्त होने वाला एक प्रश्न है, तो उसके लिए तो जितना भी आता जाएगा वो पूरा होता रहेगा। लेकिन हम तो आपको बस एक चीज बता दें कि कहने का और हमारे दृष्टिकोण का सबसे बड़ा फर्क होता है। मैं जानता हूं कि इस दुनिया में असत्य नाम की कोई चीज नहीं है। एग्जैक्टली एक ग्लास में आधा ग्लास पानी है। एक व्यक्ति से पूछा जाए तो कहता है ग्लास आधा भरा है, दूसरे व्यक्ति कहता है ग्लास आधा खाली है, तीसरे से पूछा जाए इसमें सही क्या है तो उसका जवाब होगा दोनों सही है। लेकिन दोनों सही नहीं हो सकता, एक गलत है और एक सही है। यहाँ जवाब जो निकलता है वो एक लाइन का है कि सामने वाले की दृष्टि क्या जाती है, उसे ग्लास आधा खाली नजर आ रहा है या ग्लास आधा भरा नजर आ रहा है। तो अगर सकारात्मक सोच है तो ग्लास आधा भरा नजर आएगा, और अगर डिस्ट्रक्टिव है, आपको निगेटिविटी ही देखनी है, तो ग्लास आधा खाली नजर आएगा। यही संसार है, यही विकास है। नहीं, देश में अगर डबल इंजन की सरकार अच्छा काम कर रही है, लोग देख नहीं पा रहे हैं, जो उनका एक नारा है वो धरातल पे दिख रहा है, क्रियान्वयन में दिख रहा है। लोग जो इस तरह के मंचों से हिंदू मुसलमान के नाम पे बांट के और समाज को अपने पक्ष में करके और मतदान के समय ही, भारतीय संस्कृति में इनका कहीं स्थान नहीं है। खान पान, आपस के आना जाना, रीत रिवाज, एक दूसरे से दोस्ती, सारी चीजें जिंदा हैं। लेकिन इलेक्शन जब आता है तो जब चीजें जिंदा हैं, लेकिन इलेक्शन जब आता है तो जब ये झुनझुना बजता है राजनीति का, तो वो लोगों को भरमाता है। और सीधी सी बात है, जब जैसी राग या जैसा तान होता है वैसी राग निकलती है, तो जिनको जो सुनाई पड़ता है ऐसे लोग भ्रमित होते हैं। इन चीजों पे कहीं रोक लगनी चाहिए। जनता के लिए क्या? नहीं, जनता के लिए तो जो मैंडेट दिया है उनमें सबके लिए बिना किसी भेदभाव के, जो भाई हम सड़क बनाएंगे, नाली बनाएंगे, तो उसमें ये नहीं कह सकते कि हिंदू का पानी बहेगा मुसलमान का नहीं बहेगा। सड़कें बनाएंगे तो उसके लिए हॉस्पिटल बनेगा, लाइटें लगेगी तो रोशनी सबके घर तक जाएंगी। तो जितने भी विकास के वास्तविक मुद्दे हैं वो जाते सबके लिए हैं, खाली हम एक जबान से उनकी प्रतिक्रिया व्यक्त करके और एक स्थिति खड़ा करते हैं।